नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बालाघाट जिले के वारासिवनी तहसील में किसानों की जन आक्रोश रैली। पवार मंगल भवन से निकलकर शहर का भ्रमण कर तहसील कार्यालय अनुविभागीय दंडाधिकारी SDM को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें भारी संख्या में किसानों ने भाग लिया। पवार भवन से रैली करते हुए गोलीबार चौक बस स्टैंड होते हुए मुख्यालय पहुंचकर आक्रोश जताते हुए ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख रूप से बालाघाट जिले के पूर्व सांसद बोध सिंह भगत, नगर पालिका अध्यक्ष विकी पटेल, समाज सेवी फौजी सचिन कुमार, सुनील राणा, अनिस बेग, भोजेश पटली, जीतू राजपूत, किशोर बिसेन, मितेश ठाकुर, सुभाष पारधी, मिश्रीलाल कटरे, उपचंद पटले, उपेंद्र बिसेन, ललित ब्रह्मे, लखनलाल बेस, अन्य किसान एवं सामाजिक कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे। बोध सिंह भगत पूर्व सांसद द्वारा बताया गया कि किसान संगठन का जिले में अस्तित्व होना चाहिए, अपने हित में फायदे और रणनीति तय कर सके। समाज सेवी फौजी सचिन कुमार द्वारा कृषि सुधार काले कानून बताते हुए पूंजीपति उद्योगपति धन्ना सेठों को कृषि आधारित कृषि बिल के नाम पर किसानों की जमीन हड़पने, किसानों को लाचार एवं गुलाम बनाने का कार्य सरकार द्वारा कार्यक्रम तय किया जा रहा है। साथ ही देश के साथ बालाघाट जिले के किसान संगठन द्वारा भी बहिष्कार किया गया एवं राष्ट्रपति के नाम काले कानून को रद्द करने की अपील के साथ SDM वारासिवनी को ज्ञापन सौंपा गया। नाम पे केंद्र सरकार, मोदी सरकार, जो अदानी अंबानी और पूंजीपति धन्ना सेठों के इशारे पे इस देश के अंदर पूरी की पूरी कानून व्यवस्था को नियंत्रित कर रही है, उन्होंने किसान की जमीन को हड़पने का और भंडारण की व्यवस्था बड़े बड़े धन्ना सेठों को के हाथ हवाले करने का जो कानून के नाम पे खिलवाड़ किया है, उस खिलवाड़ के खिलाफ आज बालाघाट जिले की वारासिवनी में यह किसानों की एकता रैली यहाँ पे SDM कार्यालय आई है और किसान यहाँ बहुत आकर्षित है। पूरे देश के अंदर जो है किसान आंदोलन जोरों पर है। दिल्ली की 2 और 3 डिग्री की ठंड में वहाँ पे किसान मोर्चा संभाल के बैठा हुआ है कि यह कानून जो है वो निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए, और हमारे 50 किसान साथियों ने लगभग इस आंदोलन में अपनी शहादत दी है। तो मोदी और अमित शाह की इस अदानी अंबानी की सरकार को मैं बहुजन समाज पार्टी फौजी सचिन कुमार चेताना चाहता हूँ कि यदि वह ये कानून काले कानून वापस नहीं लेती है और इस किसान के फेवर में MSP प्रॉपर तरीके से लागू नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में इस बालाघाट जिले से भी इतना उग्र आंदोलन दिल्ली कूच करेगा कि मोदी और शाह की सरकार, अदानी अंबानी की पूंजीपतियों की सरकार जो है नेस्तो नाबूद कर दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत। देखिए भाई साहब, ये जो 3 कृषि कानून आए हैं, इसके ऊपर एक तरफ सरकार कह रही कि किसान के फायदे के लिए है, वहीं एक देश का बहुत बड़ा किसान वर्ग जो मात्र पंजाब और हरियाणा तक सीमित नहीं है, अब पूरे देश के किसान इसमें सम्मिलित हो गए, इसका विरोध कर रहे हैं। इस विरोध का जो मुख्य कारण है कि किसान कह रहे हैं कि ये 3 कृषि कानून वापस होने चाहिए। जब उनसे सवाल किया जाता है कि वापस क्यों होना चाहिए, तो वो कहते हैं कि ये 3 कृषि कानून लाए इसलिए गए हैं कि MSP खत्म हो जाएगी, और जहाँ तक किसानों की जो संभावना है कि ये 3 कानून आने के बाद MSP खत्म हो जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं सत्य है। क्योंकि ये MSP की बात करेंगे हम, तो जो MSP है ये एक प्रोडक्शन पर दी जाने वाली है पोस्ट हार्वेस्टिंग सब्सिडी है, और ये जो सब्सिडी है ये WTO विश्व व्यापार संगठन के अनुसार ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी कहलाती है, जो कि भारत अपने किसानों को MSP के रूप में दे रहा है। भारत 1995 से WTO का सदस्य देश है, और WTO के गेट समझौते के अनुसार कोई भी राष्ट्र अपने किसानों को विश्व खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे विश्व में जमा खाद्यान्न भंडार की कीमत के 10% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकती है। और इन्होंने जो मॉडल प्राइस तय किया है, ये 1986 से लेकर के 1988 के बीच का जो भाव है, जैसे कि हम मानते हैं कि 1986 से लेकर 1988 के बीच धान का भाव 500 रुपये था, और आज जो MSP मिल रही है वो 1868 रुपये मिल रही है। तो जो ये जो 1368 रुपये का जो अंतर है, ये वो सब्सिडी भाई साहब जिसकी लिमिट हमने अप्रैल 2020 में खत्म हो गई है भारत के लिए। तो सरकार के लिए अब ये मजबूरी बन गई है कि वो इससे ज़्यादा MSP नहीं दे सकती है किसानों को, और ये जो किसान संगठन है इसी MSP की मांग कर रहे हैं। तो ये है इसके पीछे के एक लॉजिक, जो सरकार MSP खत्म करना चाहती। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने जिस तरीके से आवश्यक वस्तु अधिनियम में 1955 में जो संशोधन किया है, उसके बाद आवश्यक वस्तुओं के भंडारण पर, यानी कृषि उपजों के भंडारण के ऊपर से इन्होंने जो रोक हटा दी है, तो ये एक तरीके से खुले बाजार को लेकर के आना चाहते हैं। खुले बाजार को इसलिए लेकर के आना चाहते हैं क्योंकि ये MSP की खरीदी, PDS सिस्टम, इन सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती है सरकार। इसलिए एक पूरे तरीके से एक नरेशन तैयार किया गया है
जिसका जो सामने रूप आया है वो तीन कृषि बिल है जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। काल में वर्तमान परिस्थिति देखती है उसको देखते हुए वाराणसी में किसान संघर्ष समिति का गठन किया गया। उसके तहत समस्त क्षेत्र के किसानों को बुलाया गया और सबसे बड़ी बात इसमें कही ये कही गई है कि हमारे क्षेत्र के किसान कहीं ना कहीं भाजपा का किसान और कांग्रेस का ग्रुप में बटा हुआ है, इसका कोई आंदोलन नहीं हो पा रहे थे। आज बहुत तो अच्छी बात हुई कि हमने पार्टी को दरगाह रखकर समस्त किसानों का जमा किया है और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी किसानों ने जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है पिछले कई दिनों से उसको समर्थन किया है और सबने माना है कि जो संगठन रिपोर्ट की बात की केंद्र सरकार ने उसको लागू करने की लागू नहीं की उसको लागू किया जाए और तीनों जो कानून लाए गए बिना किसानों की मांग पर अदानी अंबानी और कॉर्पोरेटर्स को सपोर्ट करने के लिए पार्टी करने के जो उद्देश्य सरकार का उसको उसके खिलाफ में और तीनों कानून को वापस लिया जाए और जो राष्ट्रीय स्तर पर भी हम इसको विरोध करते हैं और लोकल स्तर पर अभी देख रहे हैं इस तालाब किसानों को समझ नहीं आ रहे हैं, किसानों का धान नहीं उठ रहा है और गोदाम में जाने के बाद भी किसानों का धान उजट के जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। लगातार शासन का ये प्रयास है कि MSP खत्म की जाए। हम चाहते हैं कि MSP जो मिनिमम समर्थन सपोर्ट प्राइस है वो बरकरार रहे, उस पर कानून बने, मंडी को ख़त्म करने का प्रयास सेंट्रल गवर्नमेंट का। कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि खेती का पाठ्यक्रम हो और अभी आपने देखा होगा कि इस कानून को लाने के पहले ही अंबानी और अदानी के बड़े बड़े गोदाम बन चुके हैं। सरकार ने इसको आवश्यक वस्तु नियम से अलग कर दिया है, पूरी तरह से खेती खत्म करने का प्रयास है। आज बारिश मंडी देखो आप जिसका पूरे देश में नाम था, अभी आज तुरंत जाके देखना आप समर्थ जो हमारा बारीक धान है जो 2526 में बिका अभी 1819 में बिक रहा है, किसान लूट रहा है क्योंकि उसको आवश्यकता है, उसको बच्ची की शादी करना है, उसका पैसा नहीं है, क्योंकि समर्थन मूल्य में धान नहीं उठ पा रहा है। इस तत्काल में उसकी जरूरत को लेते हुए मंडी आ रहा है और मंडी में किसान लूट रहा है। बारिश तत्काल की बात करो अभी पता करो आज का, आज 1800 1900 में हमारा जय श्री राम बिक रहा है, आज बाकी प्रदेशों में अच्छे रेट मिल रहे हैं या रेट कम मिल रहे हैं।